अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आप झूम उठेंगे। नाजरीन, जब मैंने यह वीडियो फर्स्ट टाइम देखी तो यकीन मानिए यह बताना मुश्किल था कि सच में यह शख्स इस दुनिया से जा चुका है। ऐसा लग रहा था कि यह शख्स अभी जिंदा है, इसकी आंखें खुली हुई है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। ऐसा लगता ही नहीं था कि यह शख्स सो रहा हो। यह वीडियो एक हैरत अंगेज वीडियो है। जब इस नौजवान का इंतकाल हुआ और ऐसा जैसे मानो यह जिंदा है। नाजरीन, पहले आप यह वीडियो देखें। यकीनन नाजरीन, यकीन करना मुश्किल है कि इस शख्स का इंतकाल हो गया है। ये है मोमिन की शान, सुभानअल्लाह। नाजरीन, अब सवाल ये है कि बाज लोगों की मरने के बाद आंखें खुली क्यों रह जाती है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों होती है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब फरिश्ते किसी इंसान की रूह निकालते हैं, जब उसकी रूह कब्ज की जाती है, जब रूह निकालकर फरिश्ते आसमान पर बुलंद होते हैं तो इंसान की जो नज़र है वह उस रूह का पीछा करती है। यानी मरने वाला यह तमाम मंजर देख रहा होता है कि उसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर रहे हैं, फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ ले जा रहे हैं। और दूसरा, बाज लोग मरने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों होती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन बंदे के मरने से पहले तीन विशारतें अता फरमाता है। नंबर एक, अल्लाह ताला मोमिन बंदे से इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदे, मेरी रहमत का तू मुस्तहक है। और दूसरी विशारत कि ए मेरे बंदे, मैं तुझसे राजी हूँ। और तीसरी विशारत कि आ मेरे बंदे, तू जन्नत में दाखिल हो जा। जब यह मोमिन बंदा अल्लाह की तरफ से यह विशारतें सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। इस वजह से जब बाज लोग इंतकाल करते हैं तो उनकी आंखें भी खुली रहती है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होती है। ये बहुत अच्छी मौत की निशानी है कि जिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है उन्हें मरने से पहले यह विशारतें अल्लाह की तरफ से दी जाती है। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ईमान की सलामती वाली मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमें और आपको हमारे प्यारे नबी हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नेक रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।